एक आए दिस इज़ यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो आज काफ़ी दिन बाद मैं एक अनालिस वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ एंड अभी तक काफ़ी टाइम्स आई वॉज़ अपलोडिंग व्लॉग्स जिसमें थोड़ी सी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अब आ रही है uh, थोड़े से टाइम बाद uh, व्लॉग्स अपलोड होते हैं क्योंकि अभी तक मैं ट्रेवल कर रहा था बट अब वापस आई एम बैक तो अब थोड़ी सी और तेज़ी से विल ट्राई टू अपलोड एंड आज का जो वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग द फॉल जो कि कल मार्केट में आया है बिटकॉइन फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर से डायरेक्टली फोर्टी uh, थाउजेंड डॉलर्स तक का अप्रोक्सीमेटली फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड डॉलर्स तक का लो बना के आया है जो 5,000 फाइव थाउजेंड डॉलर्स तक का फॉल आया है ये क्यों आया है एंड अब क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इसको डिस्कस करते हैं सो स्टार्टिंग विद कि ये जो फॉल अभी आपको सामने दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा ही अभी एक रैली आई थी दैट वाज हेयर ये आसपास 6000 छः हज़ार डॉलर की थी एंड ये फॉल आसपास 5000 फाइव थाउजेंड डॉलर का है इन दोनों में फ़र्क मेजरली ये है कि दिस फॉल वाज दिस रैली जो यहाँ पर आई थी ये रैली थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी ये जो फॉल आया है ये इतना शार्प फॉल था एंड एक ऐसे लेवल से वो फॉल आया है कि जहां पर लोगों की बाई पोजिशन बहुत ज्यादा ओपन थी यहाँ पर लोगों की सेल पोजिशन कंपैरेटिवली कम ओपन थी जो इस पॉइंट पर हमारे पास रैली आई थी अब कल की जो मार्केट में लिक्विडेशन हुई है दैट इज वे टू हाई वो क्यों हुई है इसका रीजन समझते हैं ये हमारा फॉल है ये हमारी रैली है इस वजह से हुई है नंबर वन बाइनाइंस जो है वो हैंग हो गया तो कई लोगों की जो पोजीशंस थी वो अगर एग्जिट करना चाह रहे थे एग्जिट नहीं हो पाई कई लोगों की हो गई कई लोगों की नहीं हो पाई एंड ऑनेस्टली uh, मेरे साथ ये एक पॉजिटिव सिनेरियो हुआ बट कई लोगों के साथ ये नेगेटिव सिनेरियो था कि जब इथेरियम वाज फॉलिंग मेरे को उस टाइम पे ऑनेस्टली आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द रीजन क्योंकि कल ही मैंने ढंग से ट्रेडिंग वापस रिज्यूम करी क्योंकि मैं कल ही वापस आया हूँ तो उस टाइम पे आई वाज नॉट अवेयर मैंने कोई न्यूज वगैरह नहीं पढ़ी थी आई जस्ट सौ कि मार्केट इतनी तेजी से गिर रही है तो एक मैंने पार्शल एंट्री ली आई जनरली ट्रेड विद टू ट्रेड्रेडेरियम जब इथेरियम इस प्राइस पे ट्रेड कर करा जब इथेरियम बिलो टू थाउजेंड डॉलर ट्रेड करता था मैं अप्रोक्सीमेटी टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड डॉलर थ्री हंड्रेड इथेरियम ट्रेड करता था तो मैंने सोचा कि मेरे को वन फिफ्टी इथेरियम की पोजीशन क्रिएट करनी है तो लेट्स स्टार्ट

एंट्री करते ही सेवेंटी फाइव डॉलर प्रॉफिट में था मेरे को सामने प्राइस दिख रहा है किसी और का वहां पर ट्वेंटी जबकि प्राइस चल रहा है ट्वेंटी टू हंड्रेड किसी और का सेल होके ही तो मेरा बाई ट्रेड मेरे को मिला है मतलब कितने लोगों के

ये फॉल आया इमीडिएट एक रिकवरी आई फॉल आया क्यों सबसे पहले समझते हैं सबसे पहली न्यूज थी कि एस सी सी वुड रिक्वायर मोर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द ई टी एस विच आर बी विच हैज बीन अप्लाइड अब उसके इमीडिएट पाँच मिनट बाद ये न्यूज आ गई पहले जैसी ये न्यूज आई बी टी सी पाँच सौ डॉलर के करीब नीचे गिरा उसके बाद जैसी ही ये न्यूज आई फाइव मिनट्स बाद एक न्यूज आई कि मोस्ट प्रॉबली एस सी विल डिक्लाइन ऑल द इटीएफ एप्लीकेशन ये एग्जैक्ट न्यूज मैं आपको रीड करके बताता हूँ मेट्रिक रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज अर व्यू दैट एस सी सी विल रिजेक्ट ऑल बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इन जनवरी जैसी ये न्यूज आई जैसी ये आर्टिकल आया उसी टाइम मार्केट में यह फॉल आया अब हमारा यहां से प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगर मैं एक रेंज देखूं फॉलो रेंजेस you know, यहां पे मैं एक रेंज देखूँ तो अब बिटकॉइन इस रेंज में ट्रेड कर रहा है मैंने इसको मैं इस वजह से कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि मेनिपुलेटिवली ये पॉइंट होल्ड नहीं कर पाया

मार्केट इस तरीके से मूवमेंट देगी एज ऑफ नाउ इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड मैं मैक्सिमम उस ट्रेड को तीन से चार घंटे छह घंटे कैरी करता हूं जब मैं अभी ट्रैवल कर रहा था तो मैं बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में मैक्सिमम ट्रेड एक से दो दिन कैरी कर रहा था मैं कोई भी ट्रेड पांच छह दिन दस दिन के लिए कैरी नहीं कर रहा हूँ दो हजार डॉलर तीन हजार डॉलर के मूव्स मैं बिटकॉइन में नहीं कैच कर रहा हूँ आई एम जस्ट कैचिंग फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड डॉलर मूव ठीक है आज मैं एक व्लॉग भी अपलोड करूंगा ये वीडियो अपलोड होने के बाद मोस्ट ऑफली उसमें भी आपको एक छोटा सा ट्रेड दिखेगा जिसमें मैंने एक ट्रेड लिया है बिटकॉइन में बाय ट्रेड अब इसके बाद अगर ये रेंज को वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो वहां पर एक बाई ट्रेड बनेगा राइट नाउ आई नॉट फॉलोइंग मार्केट फंडामेंटली आई एम फॉलोइंग द मार्केट टेक्निकली ओनली ये फंडामेंटली मार्केट किसी भी एंगल में जा सकती है जो इस पूरी रेंज का मिड पॉइंट है जो फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड विल बी इसके पॉइंट या तो अगर प्राइस अभी स्लिप डाउन करता है तो आई विल टेक अ अगर फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के नीचे अभी प्राइस आता है तो आई विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड अगर इसी के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं अभी ऑलरेडी एक लॉन्ग ट्रेड में हूं क्यों हूँ आई विल टेल यू द रीजन आई एम इन अ लॉन्ग ट्रेड इन एक्स आर पी क्योंकि एक्स आर पी अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है एंड दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच आई एम लुकिंग एट मेरा एक छोटा सा इसमें स्टॉप लॉस है फिफ्टी सिक्स सेंट्स का मेरी एंट्री है फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव सिर्फ वन पॉइंट फाइव सेंट्स का मेरा इसमें स्टॉप लॉस है टारगेट मेरा अच्छा है इसमें एंड रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बहुत फेवरेबल था इस वजह से मैंने ट्रेड लिया टेक्निकली स्पीकिंग मेरे को अभी ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था क्योंकि अभी कोई ऐसी बुलिश कैंडल नहीं बनी है बट स्टिल आई हैव टेकन दिस ट्रेड क्योंकि मेरा रिस्क एपिटाइट बहुत कम है इस सॉरी uh, रिस्क इस ट्रेड के लिए बहुत कम है एंड ऑलरेडी आई हैव बुक डिसेंट प्रॉफिट फॉर दी मंथ अभी मंथ के शुरुआत में ही तो आई एम टेकिंग अ रिस्क एंड रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है बट मैंने ये क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं लिया आई एम मेजरली लुकिंग टूअर्ड्स बी टी सी बी टी सी में ये ट्रेड फॉर्म करूंगा फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज माई डिसाइडर पॉइंट अगर इसके नीचे प्राइस आता है आई विल सिंपली टेक अ शॉर्ट ट्रेड अगर इसी के ऊपर ये ट्रेड करता है देन मेरा जो बाई ट्रेड है वो मैं कैरी करता रहूँगा मैं एक फ्रेश एंट्री अभी नहीं लूँगा दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन एनालिसिस नहीं दे रहा सिर्फ बिटकॉइन पे एनालिसिस दे रहा हूँ सजेस्टिंग ट्रेडिंग मेनी ऑफ नाउ अभी मार्केट ऐसी है कि आप ओवरनाइट ट्रेड नहीं लो सो द रूल्स आई एम स्टेटिंग यू डोंट टेक ओवर नाइट पोजिशन ओवर नाइट पोजिशन से मेरा मतलब है ऐसी पोजिशंस मतलब जिसको आप ट्रैक नहीं कर रहे हो आप सो गए हो क्योंकि तो मार्केट कहीं पर भी जा सकती है आप सिर्फ वही पोजिशंस लो जो आप सामने सामने ट्रैक कर रहे हो एंड जब आप इनएक्टिव हो एग्जिट द पोजिशन सेकेंड डो नाट टेक मोर देन टू ट्रेड्स इन वन टाइम अगर आप दो ट्रेड्स ले रहे हो तो उससे ज़्यादा ट्रेड्स मतलब पर्सनली आई एम ओनली टेकिंग वन सिंगल ट्रेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अभी तक मेरे मल्टीपल ट्रेड चल रहे थे मैंने सारे ट्रेड्स एग्जिट कर दिए हैं सारे ट्रेड्स अब मैं धीरे धीरे रैप अप कर दिए मैंने अब मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड रनिंग है अगर मैं एक दूसरा ट्रेड लेता हूँ बिटकॉइन में तो मैक्सिमम मेरे दो ट्रेड होंगे अगर आपको एक कोई ऐसी नीड आती है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड मिल गया तो आपको थर्ड ट्रेड भी लेना पड़ रहा है तो उसके लिए एक रूल है इफ यू हैव टू बाई ट्रेड्स रनिंग आपका तीसरा ट्रेड जो है वो बाई ट्रेड नहीं होगा वो सेल ट्रेड ही होगा अगर इफ यू हैव टू सेल ट्रेड रनिंग तो आपका तीसरा ट्रेड बाई ट्रेड होगा तीनों ट्रेड्स आपने सेम डायरेक्शन में नहीं लोगे क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होती है कल भी टेक्निकल्स फेल हो गए मार्केट में मेन्युपुलेशन जब होती है तो टेक्निकल्स फॉलो नहीं होते तो दोनों ट्रेड्स अगर आपके एक डायरेक्शन में तीसरा ट्रेड उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट टेक्निकल्स को फेल कर सकती है सो फॉलो दिस फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट डोंट टेक पोजिशनल ट्रेड एज ऑफ नाउ क्योंकि मार्केट में अगर आप बाय पोजिशनल ट्रेड लेते हो वट इज योर टारगेट फोर्टी एट थाउजेंड चार हज़ार डॉलर पाँच हज़ार डॉलर का टारगेट है अगर आप छोटे छोटे ट्रेड्स देते हो तो वो भी आप अचीव कर सकते हो मार्केट आपको सिंपली एक एक कैंडल में पाँच सौ पाँच सौ डॉलर का भी मूव दे सकती है धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट वॉलर होती रहेगी हॉलीडे सीजन खत्म होता रहेगा ओके सो दैट वॉज ऑल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू